हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब तुम जहाँ भी आज जा रहे होगे तुमको एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी, साउल और ग्रीजमैन का जो है वो एक्सचेंज ऑफर होने वाला है। बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड आपस में एक्सचेंज करने वाले हैं साउल और ग्रीजमैन को। अब ये चीज़ देखने के बाद तुम्हारे मन में ऑब्वियस है दो चार सवाल उठ रहे होंगे। नंबर वन, क्या साउल सच में ग्रीजमैन के वैल्यू वाला प्लेयर है? क्या हम उसको लाएंगे और हमारी मिडफील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? साउल कैसा प्लेयर है भाई, हमारे क्लब में सूट होगा कि नहीं होगा वो? नंबर टू, इस डील से ज़्यादा कौन बेनिफिट्स उठाने वाला है, बार्सिलोना उठाने वाली है कि एथलेटिको मैड्रिड उठाने वाली है? एंड नंबर थ्री, क्या ये ग्रीजमैन के साथ सही हो रहा है बेचारे के साथ? तो आज की वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस डील से रिलेटेड, तो आखिरी तक वीडियो देखना, तुम भाई अपडेटेड हो जाओगे इस चीज़ से, ठीक है? एनीवे, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग द स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल फुटबॉल फैंस आउट देयर। देखो यार, तुमको दुनिया जहां की फुटबॉल न्यूज तो वन फुटबॉल ऐप पे मिली जाएंगी, लेकिन अभी ट्रांसफर का सीजन चल रहा है और अगर तुमको हर एक ट्रांसफर के साथ अपडेटेड रहना तो वन फुटबॉल ऐप में ट्रांसफर का अलग सेक्शन बना हुआ है जहां पे हर एक प्लेयर जो थोड़ा सा भी सिग्नल दिखा रहा है इधर उधर जाने का, उसको जो है वो वहां ऑब्वियस है दिखाया गया है, तो तुम देख करके एकदम अपडेटेड हो सकते हो ट्रांसफर के साथ। और हाँ, वन फुटबॉल ऐप टोटली फ्री है भाई, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अपडेटेड रहो फुटबॉल के साथ, वन फुटबॉल के साथ डाउनलोड कर लो अभी के अभी, ठीक है? एनीवेज भाई साहब, डील के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, ग्रीजमैन जो है वो एथलेटिको मैड्रिड जाता हुआ नज़र आ रहा है और उस डील में जो है वो साउल हमारे पास आएंगे, लेकिन बार्सिलोना केवल साउल के साथ ही जो है वो हैप्पी नहीं है। बार्सिलोना इज आस्किंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं ऐसा समझ में आ रहा है कि बार्सिलोना ये बोल रही है एथलेटिको मैड्रिड को, तुमको ग्रीजमैन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पूरे वेजेस तुम दोगे। नंबर वन, नंबर टू, हमको पैसे भी चाहिए साउल के साथ, क्योंकि भाई ग्रीजमैन की वैल्यू अभी 75 मिलियन है, साउल की वैल्यू अराउंड 60 मिलियन है, तो वो 10 मिलियन का गैप है भैया, तो हमको 15 मिलियन चाहिए। एंड लापोर्ट भैया फुल एडवोकेट बाजी, समझ रहे हो? वो डील बाटे में वो टाइप चूतिया पंती वाली नहीं करते, हाँ ले जाओ, हाँ हाँ दे दो, कितना पैसा मांगो, 150 ले लेना 150, ऐसा नहीं है भाई, दिमाग से खेला जाता है, दिमाग से खेल रहा है लापोर्ट, और इसीलिए शायद ये डील जो है वो थोड़ी सी लेट नज़र आ रही है। दे आर आस्किंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, अब एथलेटिको मैड्रिड क्या देगी नहीं देगी या वो देने वाली भी है वो देखने वाली बात है। एनीवेज, सो डील यही नज़र आ रही है कि साउल आएगा एंड 15 मिलियन प्लस साउल दे के जाएगा। नाउ एथलेटिको मैड्रिड शायद 15 मिलियन प्लस देने के लिए तैयार नहीं है, दे आर सेइंग कि हम एक रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, बट तुम ग्रीजमैन दो और साउल ले लो, साउल के साथ हरमेसो को भी ले लो प्लस लोदी को भी ले लो, यानी तीन प्लेयर, क्या बात कर रहे हो तीन प्लेयर थोड़ी देंगे। एनीवे, शायद ऐसा नहीं है, शायद साउल नहीं, देयर मैंने ये पढ़ा था कहीं कि कोई लिख दिया था तीन प्लेयर, तो मैं शॉक्ड था, मैं ये क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे ना हुए, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई तीन प्लेयर नहीं, दो ही प्लेयर का जो है वो नाम आ रहा है, लोदी और हरमेसो, इन दोनों को जो है वो बार्सिलोना को वो दे करके ग्रीजमैन को लेना चाहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट हरमेसो एंड लोदी, लोदी लेफ्ट बैक है एंड बार्सिलोना को लेफ्ट बैक की जरूरत है, तुम सभी जानते हो ब्राज़ील में लेफ्ट बैक था लोदी वर्सेस अर्जेंटीना, डिडंट हैड अ वेरी गुड गेम उस गेम में, बट ही इज अ गुड प्लेयर यार, ऐसा कोई लफड़ा नहीं, और जॉर्डी अल्बा का अगर बैकअप होगा तो लोदी ठीक है, यंग भी है काफ़ी ज़्यादा, यानी 23-24 साल का है, तो ठीक है यार, अपन को कोई लफड़ा नहीं है। प्लस हरमेसो के बारे में बात करूँ भाई साहब, हरमेसो इज़ अ सेंट्रल डिफेंडर एंड वी ऑल नो वी नीड सेंट्रल डिफेंडर, भैया एक सीबी चाहिए हमको, सेंट्रल बैक चाहिए, और हरमेसो भैया रेगुलर स्टार्टर है एथलेटिको मैड्रिड का, पिछले सीजन शायद 30+ गेम्स उसने खेले हैं एथलेटिको मैड्रिड के साथ, एंड एथलेटिको मैड्रिड की डिफेंस तुम जान रहे हो भैया एकदम दीवार के टाइप थी, तो भाई वो भी आ जाए तो कोई लफड़ा नहीं है। तो दो चीज़ हो सकती है, एक साउल प्लस कुछ पैसे फॉर ग्रीजमैन, या फिर लोदी प्लस हरमेसो फॉर ग्रीजमैन, अब कौन सी डील तुम्हारे लिए ज़्यादा सेंस बना रही है तुम मेरे को बताओ। मेरे लिए तो टू बी रियली ऑनेस्ट दोनों डील साइन एकदम सेंस नहीं बना रही है, मैं ग्रीजमैन को जो है वो एथलेटिको मैड्रिड नहीं बेचूंगा, मैं कुछ और करता। अब देखो क्या करता मैं तुमको बता रहा हूँ, देर इज़ अ थर्ड डील विच इज़ कमिंग फॉर बार्सिलोना, और वो ये है कि चेल्सी इज़ इंटरेस्टेड इन साइनिंग ग्रीजमैन, लेकिन चेल्सी के साथ सीन ये है, चेल्सी ये कह रही है कि हम इसको लेंगे लेकिन तुमको हम पैसे अभी नहीं देंगे, हम इसको एक सीज़न लोन में लेंगे, और एक सीज़न लोन में लेने के बाद एक मैंडेटरी जो है वो बाय क्लॉज लगे रहेगा, यानी एक सीज़न का लोन ख़त्म होने के बाद चेल्सी को, चेल्सी चाहे ना चाहे उनको ग्रीजमैन खरीदना पड़ेगा, और एक प्राइस सेट किया जाएगा, और वो पैसे हम एक साल के बाद देंगे, लोन में पूरे वेजेस तो हम ग्रीजमैन के कवर करेंगे, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र का जो अमाउंट होगा वो तुमको एक साल के बाद मिलेगा। नाउ
अब बोर्ड इसी डायलेमा में फंसी हुई है, बासुना की बोर्ड जो है वो इसी डायलेमा में फंसी हुई है कि हम किस डील को चूज़ करें, क्या हम साउथ प्लस मनी ले लें, या फिर हम लोदी प्लस हरमेसो ले लें, या फिर हम ग्रीज़मैन को किसी डायरेक्ट राइवल को ना बेच करके जैसे हमने सुआरेस के साथ किया, सुआरेस को बेच दिया एथलेटिको मैड्रिड और तुम देखो सुआरेस आग लगा दिया भैया, उन लोग जीत गए ला लीगा। अब वही सेम मिस्टेक दोबारा ना हो तो क्या हम चेल्सी को बेच सकते हैं? और लेकिन चेल्सी के साथ सीन ये होगा ना यार कि अगर हम चेल्सी को इसको बेच देते हैं तो चेल्सी जो भी पैसा हमको देने के लिए तैयार है वो एक साल के बाद देगी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको एथलेटिको मैड्रिड को बेचेंगे तो एथलेटिको मैड्रिड का पहला डील साउल प्लस कुछ मनी तुरंत हमको देखने को मिल जाएगा, या फिर दो प्लेयर्स तुमको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। तो अब इसी डायलेमा में बोर्ड फंसी हुई है। अब एक के बाद एक करके हम तीनों डील्स को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा डील ज़्यादा सेंस बना रहा है। सबसे पहली बात यार, सेलिंग ग्रीज़मैन टू एथलेटिको मैड्रिड इज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि डायरेक्ट राइवल है और हमने ये गलती एक बार कर चुकी है यार लुइस सुआरेस को बेच करके, तो क्या ये गलती को दोबारा करेगी कि नहीं करेगी बोर्ड? क्योंकि ग्रीज़मैन यार अपने प्राइम पे है टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर वो प्रॉपर जो है वो सिस्टम में बैठता है, वी हैव सीन हिम एट फ्रांस, और उस सिस्टम में अगर मैं इमेजिन करूँ लुइस सुआरेस एंड फिलिक्स स्टार्टिंग इन द फ्रंट और बीच में ग्रीज़मैन है और उसके बॉल्स जो वो प्रोवाइड करेगा अटैक, बहुत पोटेंट लगेगी यार एथलेटिको मैड्रिड की यार। तो मेरे को डर है ग्रीज़मैन का एथलेटिको मैड्रिड में जाने से, बट स्टिल यार जिस डायलेमा में हम फंसे हुए हैं करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहला डील ग्रीज़मैन को साउल प्लस कुछ मनी के लिए लिया जाए। अब साउल कैसा प्लेयर है? साउल बहुत प्यारा प्लेयर है टू बी रियली ऑनेस्ट, 26 साल का है, मिडफील्डर है, हर जगह खेल सकता है, वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर बन करके खेल सकता है, राइट हैंड साइड बन करके खेल सकता है, विंगर बन करके खेल सकता है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, डिफेंसिव अप्रोच हर एक बंदा एथलेटिको मैड्रिड का लेके चलता है, तो डिफेंसिव बहुत सॉलिड है। लेकिन तुमको पता क्या, अगर यही डील 2018 में हो रही होती तो 2018 का साउल वॉज ऑन अनदर लेवल, वो अनटचेबल था एथलेटिको मैड्रिड के लिए, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड इसको खुद बेच रही है, दैट इटसेल्फ स्पीक्स फॉर मैनी थिंग्स, और वो मैनी थिंग्स ये है कि साउल जो है वो अभी अपने बेस्ट फॉर्म पे नहीं खेल रहा है। तुम इंटरनेट में जाकर के देख लो, साउल जो है वो थोड़ा सा डिप लिया है अपने फॉर्म में, उसकी प्रोग्रेसिव पासिस कम हो चुके हैं, उसके डिफेंसिव टैकल्स कम हो चुके हैं, उसके गोल्स और असिस्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, और साथ ही साथ जिसके लिए वो जाना चाहता था बॉक्स टू बॉक्स दौड़ने के लिए वो जाना चाहता था वो भी वो कम कर चुका है। तो जो ये फॉर्म में उसके डिप है यार, ये क्वेश्चनेबल है। लेकिन फिर ये देखने वाली बात होगी यार, केवल 26 साल के हैं ये, तो ऑफ कोर्स यार यहाँ टाइम है बहुत ज़्यादा साउल के पास अपने करियर को रिवाइव करने का, अपने प्राइम को हिट करने का, क्योंकि एक मिडफील्डर का प्राइम अराउंड 28-29 का आता है, तो ऑफ कोर्स यार वहाँ पे जो है वो आग लगा सकता है। नो डाउट साउल इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट रिसेंटली उसके फॉर्म में डिप हुआ है, प्लस एथलेटिको मैड्रिड ने रोड्रिगो डी पॉल को खरीद लिया है, रोड्रिगो डी पॉल यू ऑल नो यार अर्जेंटीना के बहुत प्यारे मिडफील्डर, उनको खरीद लिया है, तो इसीलिए वो साउल को बेचना भी चाह रहे हैं कि यार अब साउल के लिए कोई जगह है नहीं हमारे पास, तो इसलिए वो बार्सिलोना को आना भी चाह रहा है, क्योंकि वो पर्सनली क्यों उसके फॉर्म में डिप हुआ है, मैंने जितना रिसर्च करने की कोशिश करी वो उसका कहना खुद ये था, उसने मीडिया में आकर के ये खुद कहा था कि मैं मेंटली पीस में नहीं हूँ एथलेटिको मैड्रिड के साथ, वो सोच रहा है कि कोई और क्लब में जाऊँ तो अपने क्लब अपने करियर को मैं रिवाइव करूँ, एंड बार्सिलोना कुड बी एन ऑप्शन फॉर हिम। नंबर वन डील, तो साउल इज़ अ वेरी गुड प्लेयर यार, इंजर्ड बहुत कम होते हैं, थकते बहुत कम है, दौड़ते रहते हैं पूरे पिच में, बहुत जो है वो वर्क रेट हाई है बंदे का, वाइनाल्डम का एक यंगर फॉर्म जो है वो साउल तुम कह सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड डील, हरमेसो प्लस लोडी, दोनों बहुत प्यारा है, जैसा कि मैंने कहा हमको डिफेंडर की ज़रूरत है, हरमेसो स्टार्टर है ग्रीज़मैन सॉरी एथलेटिको मैड्रिड का यार, तो ऑफ कोर्स यार हमको अगर हरमेसो मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, एंड लोदी बहुत यंग है लेफ्ट बैक और हमको लेफ्ट बैक भी चाहिए, तो ये भी डील बहुत ज़्यादा सेंस बना रही है, दोनों प्लेयर हमको चाहिए और दोनों बहुत अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो मेकिंग अ सेंस। बट फिर वही बात आ जाती है ना यार, दोनों डील में हम ग्रीज़मैन को दे रहे हैं जो प्राइम में है, तो फिर थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मैं थोड़े से फ्यूचर के बारे में बात करूँ ना यार, तो दो साल में अगर तुम देखो, थोड़े फ्यूचर में जाओ और दो साल में सोचो, तो सुआरेस 36 का हो जाएगा, तो सुआरेस ऑफ कोर्स उस फॉर्म में रहेगा नहीं जिस फॉर्म में अभी वो खेल रहा है, या फिर अभी भी उसकी फॉर्म डिप ही हो गई होगी यार, एक साल और बड़ा हो गया, तो ऑफ कोर्स छोड़ो उस बात को। लेकिन ग्रीज़मैन 32 पे रहेगा, अब ऑफ कोर्स यार ग्रीज़मैन 32 पे रहेगा तो उसका भी जो है वो गेम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड साउल भाई साहब 28 साल के होंगे, अपने प्राइम को हिट कर रहे होंगे और बार्सिलोना के लिए खेल रहे होंगे। नाउ विच डील इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू? ग्रीज़मैन को अगर हम बेच देते हैं लेकिन हम फ्यूचर सोचें दो साल के बाद, तो वो चीज़ बहुत सेंस बना रही है, और साउल केवल 5 मिलियन जो है वो कमाएगा। ऑन द अदर हैंड ग्रीज़मैन सेकंड टॉप अर्नर है हमारा, मेसी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा कमाता है तो वो ग्रीज़मैन कमाता है। तो
फ्यूचर देखो तो फिर ठीक लग रहा है, मतलब ठीक है, बट स्टिल यार थोड़ा सा डर लगता है डायरेक्ट राइवल को बेचने से. नाउ टॉकिंग अबाउट दैट चेल्सी वाला डील, व्हाई दैट चेल्सी वाला डील इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, बिकॉज यार अगर हम इसको चेल्सी को बेच देते हैं ना यार, तो हमको एक साल के बाद पैसे मिलेंगे. अब सुनना मेरी बात बहुत गौर से, ठीक है मैं समझ रहा हूँ हमको एक साल के बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अराउंड अराउंड 70 मिलियन कुछ या फिर 80 मिलियन ऐसा कुछ जो है वो खेल होगा, क्योंकि लोन का फी भी लेगी बार्सिलोना ऑफकोर्स यार. तो अराउंड अराउंड जो डील होगी वो 70-80 के बीच में होगी. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर तुम याद करो तो अर्लिंग हालैंड का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगले साल ही जो है वो निकलने वाला है, ठीक है. तो जो टेंडर निकलने वाला है वो डॉर्टमुंड की तरफ से वो अगले साल निकलेगा अराउंड अराउंड 75 मिलियन के लिए, और हमारे पास पैसे रहेंगे यार उस वक्त उसको साइन करने के लिए. तुम समझ रहे हो, मतलब वो हैंड टू हैंड कैश रहेगा, वो हमने चेल्सी से पैसा लिया और वो डॉर्टमुंड को दिया और हालैंड को ले आए. कितना इजी होगा हमारे लिए, हमको कोई लफड़ा नहीं होगा अगले साल. और एक और चीज़ तुम यहाँ ध्यान दो, एक तो चेल्सी हमारी डायरेक्ट राइवल है नहीं, तो ठीक है वन से अगर हम उनको यूसीएल में मिलते भी हैं तो वो बहुत, मतलब बहुत उसका चांस बहुत कम है कि हमको चेल्सी यूसीएल में मिलेगी. अगर मिल भी गए तो चलो ठीक है, नहीं कह सकते कुछ, तो वो अलग बात है. सेकेंड ऑफ ऑल, अगले साल जब हालैंड को खरीदने के लिए रेस में रहेगी चेल्सी, और तुम जानते हो चेल्सी के पास बहुत पैसा है, तो उनका पॉकेट थोड़ा सा कटेगा, समझ रहे हो. जो पैसे वो हमको देंगे ऑफकोर्स उनके बजट से वो कम तो होगा यार, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है अर्लिंग हालैंड की डील को क्लोज करने के लिए, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर वहाँ थोड़ा सा कम होगा. मेरे को पता है चेल्सी के पास बहुत पैसा है, क्या पता वो हमको देने के बाद भी हालैंड को साइन कर लें, बहुत पैसा है भाई उनके पास, लेकिन फिर भी यार पॉकेट में थोड़ा सा तो कट पड़ेगा यार, तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है. तो मेरी नज़र में मैं अगर बोलूँ तो तीनों डील सेंस बना रही हैं. ग्रीजमैन फॉर साउल प्लस पैसा इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस. ग्रीजमैन प्लस लेफ्ट बैक प्लस अ सेंटर बैक हरमेसो और लोदी के रूप में, इट इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस. एंड सेलिंग ग्रीजमैन टू चेल्सी इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, क्योंकि मिडफील्ड हमारी खचाखच भरी हुई है. रिकी पूछ आ जाएगा तो सही है, बट साउल आ जाएगा तो भी ठीक है, लफड़ा नहीं है यार, मतलब हम हर तरफ से कवर्ड हैं, हमको बस हमारा वेज लिस्ट कम करना है. बट हाँ, साथ ही साथ आई एम ऑल्सो सैड फॉर ग्रीजमैन दैट ही इज लिविंग द क्लब, बट अब क्या करें यार, ज़रूरत है तो अब है. नाउ तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा डील ज़्यादा सेंस बना रहा है, डील नंबर 1, डील नंबर 2 या फिर डील नंबर 3. कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उत्सुक हूँ तुम्हारे जो है वो रिस्पॉन्स जानने के लिए. नेक्स्ट वीडियो आमेश के सनी, टेक केयर, पीस विस्कल बारसा, जय हिंद.